बिहार में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जो है जमीन को लेकर भाई भाई में, पिताजी बेटा में और अपने जो है फरीक में मारपीट विवाद जो है देखने को मिलता है। इसी तरह जो है एक यहां पर जो है जमीनी विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है। अभी मैं मौजूद हूं सहरसा जिला के काहड़ा प्रखंड अंतर्गत में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जो इनके साथ जो है जमीन को लेकर इनके भाई से विवाद चल रहा है। क्या पूरा मामला है आइए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा राजू कुमार हुआ सर। जी राजू जी, आप जमीन को लेकर बता रहे थे कि भाई में जो है विवाद चल रहा है, तो क्या सच्चाई है बताइए। सर सच्चाई ये है कि जो सर मेरा मतलब पिताजी और माँ दोनों मुरुख है सर। अच्छा, सीधा दिमाग का है। और सर बड़े भाई जो है उसको सर कौन जी बहला फुसला के, सर कौन जी जो मम्मी को बहला फुसला के, इससे पहले 2019 में अच्छा एक जमीन 3 कट्ठा यहाँ पर था, ये क्या छठ मैया पोखर के पास था, जिसको कि बेचवा दिया खुद को अपना शनाखत बन करके के। अच्छा, और सारा पैसा अपने पास रख लिया, 35 लाख रुपया में बेचवाया सर। अच्छा, और वो सब पैसा रख लिया सर। जब हमने हम पूछे, हम यहाँ पर उस वक्त थे नहीं, हम थे अथी बाहर थे, बाहर जब हम आए तो पूछे भैया जमीन जो बेचवाए तो हम लोग से पूछते ना, तो बोले तुमसे पूछ के सारा मतलब फैमिली मेरा बैठा हुआ था। अच्छा, जितना पूरा फैमिली माँ पिताजी चाचा चाची भाई सब जितना भी था सब बैठा हुआ था, और बोलता है कि आज वो तुमसे पूछ के बेचेंगे, मार देंगे साले, इतना पैसा है झेल लेंगे। अच्छा, इस तरह से बता रहे थे, लाठी उठाए और इस तरह से थी। अच्छा, कोई भाई कुछ नहीं बोला सर, हम डर गए। अच्छा, ये पेपर वगैरह ढेर सारे रखे हुए हैं, क्या है पेपर थोड़ा दिखाइए, इसमें क्या क्या है, कौन सा पेपर है इसमें? सर कौन जी पेपर ये है कि जो ये बंटवारा का शेड्यूल सर कौन जी जो माँ पिताजी का आदेश से बनवा बना है सर। अच्छा, जो कि एक सेट माँ पिताजी के पास भी है सर, माँ पिताजी के पास भी है। अच्छा अच्छा, और ये देख लीजिए आप कितने भाई हैं? हम 7 भाई हम हैं सर। अच्छा अच्छा, तो सातों भाई का जो बंटवारा है वो पेपर पेपर पे अंकित किया हुआ है सर, वंशावली के हिसाब से सर। अच्छा, किया हुआ है और हम ही किए हैं सर, हम ही किए, पिताजी के आदेश के अनुसार किए हैं सर। अच्छा अच्छा, और इसको हम पंचायत में भी रखे, पंचायत में पिता अति बड़े भाई के दबंगता की वजह से जो है अच्छा, मतलब पंचायत में पिताजी उपस्थित नहीं हुए। मेरा पापा लिख देगा कि ये मेरा बेटा नहीं, हम निकल लेंगे, कभी नहीं आएंगे घर, हम जो बोल देते हैं नहीं आएंगे घर। बोल रहे हैं तुम बना के लाओ, तुम वैसे भी तो तुम मतलब भाई नहीं है। हम देखे नहीं, हमने कुछ समय नहीं किया है, और वो सर कोई वहाँ का जमीन एक है मेरा सुलिंदाबाद में है सर, सरवा ढाला के बगल में है। अच्छा, जो उसके बगल से 4 लेन गुजर गया है, जिसके चलते वो इसमें आरा मशीन चला रहा है सर। तो वो मतलब टोटल जो है आपका कितने जगह जमीन है? मेरा टोटल सर कौन जी मेरे ख्याल के अनुसार ये 1, 2, 3, 4, 5 जगह सर जमीन है सर। अच्छा, 5 जगह है, तो दिक्कत क्या है ये बताइए आप, आपको क्या? हमको सर कौन जी जो हिस्सा नहीं दे रहा है सर। अच्छा, अपना हिस्सा नहीं दे रहा है मेरा सर कौन जी जो हमको मारने पीटने का धमकी देता है बड़ा भाई सर, जो कि समाज का सब आदमी जानता है सर, पंचायत जिसके चलते पंचायत ही बैठा है, पंच भी लिखा है इस पे, देखिए सर पंचनामा है। अच्छा, पंचनामा पंच में क्या फैसला हुआ? पंच में सर पंचायत में ये फैसला ये हुआ, पंच बना के दिया, कागज बना के दिया है सर। अच्छा, जो पंच लिख पंचायत में उपस्थित नहीं हुआ सर, दोबारा पंचायत भी बैठाना चाहे सर, पंचायत में उपस्थित होता ही नहीं है सर। ये देखिए सर जमीन का मापी कौन जो, ये देखिए सर ये जमीन का माप दिखाइएगा जरा, देखिए ये फोटो के साथ पूरा नक्शा के साथ सर, ये जमीन है सर, ये देखिए सर, ये सर। अच्छा अच्छा, ये बंटवारा किया हुआ है? जी ये बंटवारा किया हुआ है, इसमें सर हम 20 गो पिलर लेके गए सर, 2022 में गए सर। अच्छा अच्छा, फरवरी मार्च के महीने में, जो कि हमको सर बनाने के लिए नहीं दिया, अपना दुकान बनाने नहीं दिया। अच्छा, आप अपने हिस्से में गए घेराबंदी करने? जी जी जी, पिताजी के अनुसार 7 भाई हैं आप, 7 जगह ये हिस्सा लगा हुआ है, 7 जगह एक हिस्सा माँ पिताजी के लिए।
आठ जगह हिस्सा लगा हुआ, आठ जगह लगा हुआ। जी जी सर। और ये देखिए सर कौन चाहिए, ये पिलर देखिए सर, 20 को पिलर ले गए सर, ये झाड़ी हो गया बाद में। अच्छा, हर चीज का फोटो आप सबूत रखे? जी 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 सर, फोटो है सर। और हम सर अंचल कार्यालय गए सर, कौन चीज ये क्या कहते हैं, कर्मचारी के पास भी गए, कर्मचारी सर नहीं सुन रहे हैं सर। अच्छा, मतलब आपका जहाँ जहाँ भी जमीन है वो चाहते हैं कि आपका हिस्सा आपके दखल में आ जाए। जी जी, दखल नहीं करने दे रहे, दखल नहीं करने दे रहे हैं सर। अच्छा, दखल नहीं करने दे रहे हैं। शख्स के हाथों में जो आप कागज देख रहे हैं, ये तमाम इनके जमीनों का कागज है, और ये अपने ही जमीन के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं, कर्मचारी के पास आवेदन दे रहे हैं। ये सर बड़ा भाई है ये सर, यही सर दबंगता कौन जी पूरा मचाता है सर। अच्छा अच्छा, जान से मारने की धमकी देता है सर। अच्छा, हम जिसके मारे सर, डर के मारे सर कौन चीज सर, मतलब सबको अपने बस में कर रखा है, इतना समझ। अच्छा, ये बताइए आपका माँ पिताजी हैं, आप सात भाई हैं, बाकी और जो बड़े भाई को छोड़ के और आपको छोड़ के बाकी जो पांच भाई और है, क्या उन लोगों को अपना हिस्सा मिल गया? नहीं नहीं मिला सर, वो सब तो पूरा डर के, हम तो आवाज भी उठा रहे हैं सर। अच्छा, वो पूरे डर के मारे पूरा परिवार ही उससे डर के मारे थर थर करता है सर, पूरा एकदम मतलब दबंगता दिखाता है ना। वो जिसको जो सिखा देगा वही बात बोलेगा सर, डर से कोई भाई कुछ नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। ये देखिए सर क्या कहते हैं, जब माँ के नाम से जमीन है तो इसमें इसको ये अपना साइन करने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये देखिए गलत कागज बना लिया। ये देखिए सर, और देखिए सर आपको हम दिखा रहे, ये देखिए अंडरलाइन क्या हो, ये देखिए सर इसको सर दिखाइए सर, जमीन बेच लिया वो भी पेपर है मेरे पास सर, जमीन जो बेचे हैं सर वो 35 लाख में बेचे हैं। अच्छा, ये देखिए सर ये। अच्छा जी सर, तो ये जमीन कैसे बिक गया, वो अकेले बेच लिए क्या? ये माँ पिता यही जमीन जो बेचे हैं वो है सर। ये देखिए सर, वार्ड पार्षद लिख दिया स्पष्ट, जमीन बिक्री करवाने के तथ्य मेरे समझ में सत्य और सही है। अच्छा अच्छा, ये देखिए सर अरुण कुमार निराला, मेरा वार्ड पार्षद पहले वाला वार्ड पार्षद था। अच्छा, अच्छा, के नाम से, माँ के नाम से, माँ के नाम से। जी सर, तो इसमें तो आपका सातों भाई का हिस्सा था। जी जी जी, लेकिन जी। एक ही भाई बड़ा भाई बेच दिया। हाँ, और माँ को मतलब जितना बात सिखाता है वही बात कौन चीज माँ बोलती है, वो माँ बोलती है अपने मन से बेचे हैं ना, वो शनाखत बन के। आपके माँ पिताजी किधर हैं अभी? अभी सर वो अपनी बस में किए हुए हैं सर, बड़ा भाई के। जी 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 जी। अच्छा जी, बस में किए हुए। बाकी आपका जो छोटा भाई लोग है वो सब कुछ नहीं बोलता है? कोई डर के मारे नहीं बोलता है सर। हम भी तो डर के मारे सर, 7 वर्ष से बाहर रहे सर, हम भी नहीं बोलते थे, लेकिन समाज का आदमी हमको हिम्मत दिया। एक बेचारे थे शिवू यादव थे, वो हमको दिए कौन चीज़ जो हिम्मत दिए, बहुत दिए हिम्मत। आज भी बिहार में 80 का दशक चल रहा है, क्यों नहीं कहें, क्योंकि अपने ही जमीन के लिए जो है हिस्सेदार जो भाई है इनका, इनका जो आरोप है कि इनका बड़ा भाई महंगे महंगे जमीन को, जो मेन रोड में जमीन है उसको बेच दे रहे हैं, और वो गलत तरीके से जो है सभी भाई का हिस्सा वो बेचकर अकेले ही जो है पैसा हथिया ले रहा है, ऐसा आरोप इनका है। बाकी तमाम जो पेपर है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तमाम पेपर। इन्होंने जो पता है क्या, जो सर लड़की का शादी तो करने दो तब दिखाते हैं। अच्छा, तो सर हो सकता है सर बड़े अधिकारी से लड़की का शादी करने के बाद हमारे ऊपर घटना का अंजाम दे सर। आप करते क्या हैं अभी? हम सर अभी सर दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा दुकान चली, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। अच्छा जी सर, जी सर। आगे बड़ा भाई क्या कर? बड़ा भाई आरा मिल चलाता है सर, उसका हाइड्रा वगैरह सब चलाता है, जितना भी रेंट वगैरह सब वही लेता है सर। अच्छा जी जी सर, मतलब कोई हम सर चाहते नहीं थे, लेकिन सर इतना सर मजबूर किया गया कि आज हमको मीडिया में, कोई चाहेगा सर मीडिया में जाने के लिए, नहीं चाहेगा। एक चीज़ बताइए, जमीन जगह आप लोगों का जो भी है सब भाई का हिस्सा है। जी जी, जी। आपका कहना है कि हम सातों भाई में जो है 6 भाई गरीब की जिंदगी आज उचित संपत्ति रहते हुए भी, संपत्ति रहने के बावजूद भी सर गरीबी जिंदगी सब सर, कोई मोबाइल का दुकान तो कोई मतलब क्या कहते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक छोटा मोटा मतलब अपना जो है पेट चला रहे हैं, घर चला रहे हैं। आप को सर को आप देखना चाहेंगे तो चलिए सर, आप को मतलब सब गरीबी जिंदगी एक तो इस मामला को लेकर आप जो है राजस्व कर्मचारी के पास भी आवेदन दिए, क्या कुछ उस पे एक्शन हुआ कि नहीं? आप देखते ही हुआ कि नहीं, उसके बाद कुछ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ सर, कुछ हमको तो नहीं लग रहा है कुछ कार्रवाई। कार्रवाई होता तो सर को स्थल जाँच होता, उसके बावजूद भी सीमांकन कब्जा कागज तैयार करवा लिया है सर। अच्छा अच्छा, सीमांकन कब्जा कागज मतलब कुछ अकेले दखलदार है, 1095 खसरा, 1096 खसरा का। अच्छा। संपूर्ण जाफरी सोकर पूरे तो, वो कागज तो आपको दिखाए ना सर, पेपर दिखाए हैं, जबकि सर उसमें होना चाहिए जो 1095 खसरा का मतलब अपने दिनेश शर्मा अपने खास हिस्से का दखलदार है, अपना खास हिस्सा दखलदार होगा ना वो सर,
कि हम सतो भाई का सहारा लेगा सर, उचित उचित होता है सर? नहीं नहीं, ये कहीं से उचित नहीं है। बाकी सर कौन चीज़ों पर जन्म दिया, सात बेटा को जन्म दिया है ना सर, सात बेटा को जन्म दिया है तो सातों का हिस्सा बनता है ना सर। तो समय दिया है, इस समय दिया घर पर आपके समय ही नहीं है, सभी आप बुला रहे थे घर पे, आने बोलिए अभी आप बुला रहे थे कि घर पर आइए, सब आदमी बुला रहे थे ना, सोच आप सभी को बुला रहे थे, नहीं बोले पंच में आखिर बताओ ना कि तोरा दोनों के की दिक्कत है? हमरा कोई दिक्कत नहीं है, पिछला बार जो पंचायती जो भेल रहे तोरा के की निर्णय है? आप जिस तरह से बता रहे थे कि हमारे जान पे भी खतरा है, मारने का धमकी दे रहा है, चूंकि हम अकेले हैं सर, अकेला हैं, हम अकेला आवाज़ उठा रहे हैं, वो धमकी दे रहा है कि आज तुम ही ठोने को कौन सी बोल रहा है और सब शांत है, अच्छा तुम कौन सी आवाज़ उठाता है, अच्छा मरवा देंगे ये सबके सामने में, कौन सी बोला सर, कौन सी लाठी उठा बोला, इतना पैसा है झेल लेंगे, अच्छा पूरा संपत्ति बना लिया जी, पूरा संपत्ति बना। अब सोचिए सर, सात भाई में सर, सात में सर एक ही को भगवान बुद्धि विवेक दिया है, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी है बुद्धि दिया है, जो वो कौन चीज़ जो अपना माँ पिताजी को फुसला उठा कर अपना कर रहा है हम लोग का। अच्छा ये जितने भी पेपर है, नक्शा पंचनामा है, जितने भी आवेदन दिए हैं, आप ये क्या कहते हैं वंशावली बनाए हैं, और तमाम जो कर्मचारी वगैरह के पास जो आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, प्रतिलिपि लगाए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आप ही किए हैं क्या? जी जी जी, तमाम चीज़ें हम ही किए हैं सर, देख सकते हैं भाई साहब, के लिए नहीं, सभी भाई, सभी भाई, सभी भाई के लिए। आपको ऐसा कोई लालच नहीं है कि सिर्फ हमें चाहिए? नहीं नहीं सर, वो तो आप खुद सर देख सकते हैं सर, आप खुद देख सकते हैं सर, एक हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं ये भी शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और जितने भी पेपर आप यहाँ देख रहे हैं एक बार इधर भी दिखाइएगा, तमाम जितने भी अलग अलग जगहों पर इनका जमीन है, सभी जमीन का अलग अलग प्लॉट का जो है ये नक्शा के साथ में जो है सभी भाई में एक एक जो है बंटवारा करके ये एकदम नक्शा के साथ में वंशावली के साथ में जो है यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर कर दिया है पंच के अनुसार। लेकिन इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनका जो बड़ा भाई है वो लगातार दबंगता दिखाता है, और दबंगता दिखाते हुए जमीन पर इन लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा है, यही आरोप है ना? जी 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 जी, तो जगह आवेदन दिए हैं सर, यहाँ सर कौन चीज़ जो दिए हैं हम आवेदन दिए हैं सर, यहाँ दिए हैं सर, जिला पदाधिकारी महोदय को दिए हैं, अच्छा पुलिस अधीक्षक महोदया को दिए हैं, जिला निबंधन कार्यालय को सहरसा को दिए हैं, अंचल अधिकारी सर अंचल कार्यालय कहरा को दिए हैं सर, उसके बाद आपको सर क्या सिमरी बख्तियारपुर में दिए हैं आवेदन, सिमरी बख्तियारपुर अंचल में दिए हैं आवेदन दिए हैं सर, अच्छा। चूँकि एक जमीन मेरा सरोजा में है सर, मेरे पिताजी के नाम से है, अच्छा यानी आप हर जगह से प्रयास करके थक गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ये देखिए सर सिमरी बख्तियारपुर में दिए हैं आवेदन, बिल्कुल ये देखिए सर। तो तमाम जो है एक एक पेपर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और हालांकि ये पूरी मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है, उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं और न ही DNY न्यूज इसकी पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन कागज के आधार पे और जो इन्होंने बता रहा है, जो आरोप ये लगा रहे हैं, चूँकि प्रशासन को भी आवेदन दिए हुए हैं, SP DM कर्मचारी से लेकर हर जगह जो है इन्होंने कोशिश कर लिए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आवेदन जो हम दिए हैं सर, आवेदन देखिए सर कौन चीज़, 12/8/2021 में ही दिए थे सर, 12/8/2021 में दिए थे सर। अच्छा आप फाइनली ये बताइए राजू जी कि आप जो है चाहते क्या हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम सर कौन चीज़ यही चाहते हैं, क्या जो बिना झोड़ झंझट किए हुए मेरा सर कौन चीज़ जो उचित जो हिस्सा होता है हमको सर सही उम्र के अनुसार दे दिया जाए सर। अच्छा, और हम माँ बाप का भी सेवा हम करना चाहते हैं सर, ऐसा नहीं है क्या जो माँ बाप को उनका हिस्सा भी अलग से दे दीजिएगा, उसके बावजूद भी आप रखना भी चाहते हैं? रखना भी चाहते हैं जी जी, देख सकते हैं तो रहेंगे, रहना बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे तभी तो रखेंगे सर। तो देख सकते हैं ये एक लाचार बेटा, एक लाचार भाई तमाम जगहों पर जो है अपने ही हिस्सा के जमीन के लिए दर बदर भटक रहे हैं लेकिन इनका एक भी नहीं सुना जा रहा है।
जिस तरह से आप लोग तमाम पेपर देखे होंगे, ये हर जगह आवेदन लगाकर थक गए हैं, लेकिन इनका कहीं नहीं सुना जा रहा है। थक हार कर इन्होंने मीडिया में अपनी बातों को रखने के लिए आगे आया है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है और इस मामले को किस तरह से प्रशासन जो है निपटारा करवाती है। बाकी इस तरह की मामला पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज़ के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। We'll be right back.